सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। लुधियाना च ट्राइडेंट ग्रुप के टिकाणे ते आमदन टैक्स विभाग की छापेमारी। राज्यसभा मेंबर संदीप पाठक का एसओएल ते बयान, हरियाणा का हक हरियाणा नूं, पंजाब का हक पंजाब नूं मिले, संवेदनशील मुद्दे ते राजनीति ना की जाए। सीएम भगवंत मान का जन्मदिन, पत्नी गुरप्रीत कौर ने तस्वीर सांझी कर दी वधाई, पीएम मोदी ने भी दी मुबारकबाद। आमदन टैक्स विभाग के इन्वेस्टिगेशन विंग वालों ट्राइडेंट ग्रुप के सारे टिकाने से छापेमारी की जा रही है। दसा जा रहा है कि आमदन टैक्स विभाग के करीब 35 टीमां जांच शामिल ने। दसनयोग है कि इस तो पहला आमदन टैक्स विभाग ने महानगर के एक लाटरी कारोबारी से अचानक भारी फोर्स नाल छापेमारी की थी। यह भी दस दिए कि कलकत्ता चल रही वड्डे पद्धर से आमदन टैक्स की छापेमारी कारण लुधियाना के कंपलैक्स से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई दौरान कलकत्ता की टीम ने आमदन टैक्स अधिकारियों दिया दर्जन के करीब टीमों नाल कार्रवाई की। जिला फिरोजपुर के जीरा विधानसभा हलके के सबका विधायक से जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान कुलबीर सिंह नूं तड़के पुलिस ने उन्होंने घर तो गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने मगरों ड्यूटी मैजिस्ट्रेट जीरा के पेश करने उपरंत केंद्रीय जेल फिरोजपुर में लिया गया। पुलिस की सारी कार्रवाई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जदों कुलबीर सिंह जीरा सख्त सुरक्षा प्रबंधा हेठ केंद्रीय जेल फिरोजपुर लिया गया, उत्थे उन्होंने पत्रकारों गल करते कहा कि उन्होंने लोगों की आवाज चुकन करके गिरफ्तार किया गया। जीरा ने कहा कि पिछले दिन सरपंचों उन्होंने हक दवा समर्थकों नाल लेके उन्होंने बीडीपी दफ्तर जीरा विखे शांतिपूर्वक धरना लाया से, जिस विच जीरा विधानसभा हलके के मौजूदा विधायक खिलाफ कई तरह के इल्जाम लाए गए सन। कुलबीर जीरा ने कहा कि लोगों के हकों लिए आवाज उठाउंदियां जेकर उन्होंने 10 बार भी जेल जाना पड़ेगा तो वह जान को तैयार रहेंगे। ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ MLA ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ MLA ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਜੀਜੇ ਦਾ MLA ਦੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ SSP ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ SSP ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਔਰ MLA ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ MLA 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ 10 ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ। ਪਰ SSP ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦਾ, ਰੇਤਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, SSP ਸ਼ਹਿ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। SSP ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਧ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ। आप दे राज्यसभा सांसद संदीप पाठक का वड्डा बयान सामने आया। सांसद संदीप पाठक का बयान SYL नूं लैके सांसद संदीप पाठक ने कहा कि पंजाब के हिस्से का पानी पंजाब नूं मिले, हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा नूं मिले। मीडिया नाल गल करदे पाठक ने कहा कि SYL के मुद्दे की याद राजनीतिक पार्टियां नूं चोणां वेले ही आउंदी है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इस ते राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भाजपा ते कांग्रेस के वरदियां कहा कि इन्हां नूं इस मुद्दे ते सिर्फ राजनीति करनी है। पंजाब तो राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने हरियाणा के करनाल च मीडिया नाल गल करदे बयान दिता। उन्होंने भी कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हक ते अधिकार के मुताबिक सारे राज्यों को पानी मिले।
आप अगर सोचेंगे SYL का मुद्दा जब भी चुनाव आता है तब ये SYL का मुद्दा लेकर आते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि चुनाव जाने के बाद ये भूल क्यों जाते हैं इस मुद्दे को। दूसरा, आप ये बताओ कि इस मुद्दे को बनाया किसने? इन राजनीतिक दलों ने ही इस मुद्दे को जन्म दिया है। सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, पंजाब में बीजेपी की सरकार थी एक टाइम पे, अकाली दल और बीजेपी की, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी एक टाइम पे, केंद्र पे कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र में और राज्य सरकार होते हुए भी इन लोगों ने SYL के मुद्दे को नहीं सुलझाया। SYL का मुद्दा इनके लिए सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और ये सिर्फ राजनीति करने के लिए आते हैं। बड़ा सिंपल और सरल सा है, ऐसे मुद्दे पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पानी सभी राज्यों को उनके हक और अधिकार के मुताबिक सभी राज्यों को मिले। जो हरियाणा का हक है हरियाणा को मिले, जो पंजाब का हक है पंजाब को मिले। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है नैतिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से भी। मुख्यमंत्री भगवंत मान का आज जन्मदिन है। भगवंत मान 50 साल के हो गए। मुख्यमंत्री अपने जद्दी पिंड सतौज पहुंचे। जन्मदिन मौके श्री अखंड साहब के भोग पाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान पूरा दिन पिंड के लोगों को मिलेंगे। उधर मुख्यमंत्री की पत्नी गुरप्रीत कौर मान ने एक्स से एक पोस्ट पा के मान को जन्मदिन की बधाइया दीतिया ने। उन्होंने कुछ पुरानी तस्वीर साझी करते हुए कैप्शन च लिखा, जन्मदिन मुबारक मान साहब, पंजाब की सेवा लिए तुहाडा अटुट समर्पण मेरे दिल में मान नाल भर दिया। तुहाडी पत्नी होने के नाते मैं जानती हाँ कि तुहाडी सब तो वड्डी खुशी लोगों की सेवा करन च, तुसीं सारे पंजाबियों की खुशहाली ते भले लिए जुटे रहो। उधर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री को बधाई देते उन्होंने लंबी उम्र की अरदास की। ब्रसेल्स च गोलीबारी की घटना में स्वीडन के दो नागरिक मारे गए ने, जिसनों बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलैगजेंडर डी क्रू ने अतवाद न संबंधित हमला करार दिता है। हमले तो बाद अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करने लिए रात राजधानी में अतवाद संबंधी अलर्ट को उच्च पद्धर तक बढ़ा दिता है। बेल्जियम की धमकी विश्लेषण कोआर्डीनेशन यूनिट ने कहा कि देश के होर हिस्सों में भी अतवाद की चेतावनी को दूजे उच्चे पद्धर तक बढ़ा दिता गया। पुलिस ने दसिया कि केंद्र ब्रसेल्स च हुई गोलीबारी में स्वीडन के दो नागरिकों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री डी क्रू ने कहा कि हमले का संबंध अतवाद नाल है ते उन्होंने उच्च कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग सदी है। डी क्रू ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म से लिखा है कि मैं अज रात ब्रसेल्स च स्वीडिश नागरिकों से हुए घिनौने हमले तो बाद स्वीडन के प्रधानमंत्री प्रति अपनी डूंगी संवेदना प्रगट करदा। करीबी सहयोगी होने के नाते अतवाद खिलाफ लड़ाई मिलकर लड़ी जाए। उधर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के नारा इंदू स्टेशन नेड़े डीजल इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट यात्री रेलगड्डी के 5 डब्बे बुरी तरह नाल सड़ गए। इस घटना में किसी जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं है। रेलवे अधिकारियों ने दसिया कि अग लगन समय प्रभावित डब्बों में सिर्फ 5 से 6 यात्री सन ते वह सारे तुरंत हेठा उतर गए तो सुरक्षित बच गए। अधिकारियों ने दसिया कि हादसा उस समय वापरिया जदों रेलगड्डी बीड जिले के अष्टी स्टेशन तो पछमी महाराष्ट्र के अहमदनगर वाल जा रही थी। अग लगन के कारणों का तुरंत पता नहीं लग सकिया। केंद्रीय रेलवे के मुख्य लोक संपर्क अधिकारी डॉक्टर शिवराज मानसपुरी ने दसिया कि अग की घटना में कोई यात्री जख्मी नहीं होया। अग फैलन तो पहला ही सारे यात्रियों को डब्बों से सुरक्षित बाहर काढ लिया गया। जिला लोक संपर्क ते कष्ट निवारण समिति की बैठक फरीदाबाद में करवाई गई, जिसकी अगुवाई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सराय खवाजा में शॉपिंग सेंटर लिए 2001 प्लान 1.66 एकड़ जगह से स्कूल बनाने की योजना का ऐलान किया। नाल ही मुख्यमंत्री ने HSVP वालों 2001 में बनाए गए शॉपिंग सेंटर का ऐलान भी किया।
पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दे जन्मदिन मौके अमृतसर सिविल हस्पताल विखे ब्लड कैंप दा आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ते डॉक्टर अजय गुप्ता ने सांझे तौर ते किया। इस दौरान वड्डी गिनती विच नौजवानों ने खूनदान किया। इस मौके कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि सूबे के 117 विधानसभा हलकों में एक खूनदान कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने 1 नवंबर को पानिया के मुद्दे से लैके सदी गई डिबेट से सारिया पार्टियां शामिल होने की अपील की। असीं उन्हां दे जन्मदिन नूं खूनदान करके जिहड़ा है वह मनाउणा है। सो साडे पंजाब दे 117 हलकिआं दे विच अज खूनदान कैंप जिहड़े ने उह लगे ने। साडे वलंटीयर्स साडे नौजवान वड्डी तादाद दे विच खूनदान करन आ रहे ने, क्योंकि खूनदान एक महादान आ, इहदे नाल काफ़ी जिंदगियां जिहड़ियां ने ਉਹ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। तरन तारण तो आम आदमी पार्टी नूं उस वेले भारी बल मिले जदों विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल की अगवाई हेठ मुरादपुर तो केवल कपूर 150 तो वध परिवारां दे नाल कांग्रेस नूं छड्ड आम आदमी पार्टी विच शामिल हो गए। पार्टी विच शामिल होण वाले सैकड़े साथियों नूं विधायक सोहल ने जियाया किया ते विश्वास दवाया कि पार्टी विच उन्हां नूं बनदा मान सन्मान पूरा दिता जाएगा। इस मौके भारी इकट्ठ नूं संबोधन करदे विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान दीयां नीतियां तो प्रभावित होकर पंजाब भर विच लोक धड़ाधड़ आम आदमी पार्टी दे नाल जुड़ रहे हैं। जो भगवंत मान की सरकार लोगों की भलाई वास्ते कर रही है वो सारिया के सहयोग के नाल ही होना। सो इस करके जिन्ना सानू सहयोग मिलेगा उन्ना ही असानू वध हौसला होगा कि असी वध काम करांगे। सो अज जिहड़े भी परिवारों ने शमूलीयत की है, मैं उन्होंने अपील भी करदा कि और रल मिल के आपां जिहड़ा वा वो विकास दीयां जिहड़ियां पौड़ियां उन्हूं होर चढ़दे होए तरन तारण शहर नूं सुंदर बनाईए, हल्के नूं सुंदर बनाईए ते पंजाब दी नुहार बदलीए। समाज विच नशा रूपी फैलियां कुरीतियां ते ठल पाउण ते इस लानत तों नौजवान पीढ़ी नूं बचाउण लई दशमेश हैरीटेज विखे पुलिस प्रशासन वल्लों जागरूकता सैमीनार करवाया गया, जिस दौरान विद्यार्थियों नूं इस कोड तों दूर रह के एक सफल ते सन्मानयोग नागरिक बनने लई प्रेरिया गया। सैमीनार मौके मुख मेहमान वजों पहुंचे DSP जंडियाला गुरु कुलदीप सिंह ने इस संबोधन दे विच विद्यार्थियों नूं नशियां दे बुरे प्रभाव तों जाणू करवाउंदिआं कहा कि नशियां दे दलदल विच फस के इंसान अपनी जिंदगी दा मकसद भुल जांदा ते अपने आप नूं खुद ही बर्बाद कर लैंदा। उन्हां कहा कि हर विद्यार्थी आप भी नशियां तों दूर रहे ते समाज दा इक चंगा नागरिक। ट्रक सोसाइटी मामले विच देर रात नाजर सिंह की रिहाई तो बाद ट्रक ऑपरेटरों वालों नैशनल हाईवे नूं खोल दिता गया ते धरना समाप्त कर दिता गया। इस मौके जिले के SPD राजपाल सिंह हुंदल ने कहा कि परिवार ते ट्रक ऑपरेटरों नूं यह भरोसा दिता गया कि एक हफ्ते दे विच मामले की जांच की जाए। हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल।
इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त। धन्नवाद।